हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, रात भर पानी में भिगोकर खा लो, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मोटापा, यूरिक एसिड, कैल्शियम की कमी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज के बारे में बताने वाले हैं। इसको अगर आप पानी में भिगोकर सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी और आपके शरीर को बिल्कुल हेल्दी और निरोग बना देगी। ये चमत्कारी चीज आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगी। एनीमिया, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया, दिल से जुड़े रोग, यूरिक एसिड की समस्या आपके आसपास भी नहीं आएगी। शरीर के सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। आप खुद को हमेशा हेल्दी महसूस करेंगे। दोस्तों, जिस इफेक्टिव चीज की मैं बात कर रही हूँ वो सबसे पहली चीज है कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी काले काले छोटे बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अचार बनाने में करते हैं। कई मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी में बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं। कलौंजी में काफी मात्रा में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, फाइबर होता है। कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। सिर से लेकर पैर तक की किसी भी तरह की बीमारी को ये कलौंजी ठीक कर सकती है। तरीका, यानी इस्तेमाल करने का तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब तक करना है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए जानते हैं कलौंजी के बेहतरीन फायदे और इसके इस्तेमाल के बारे में। इसके लिए आपको करना क्या है, आप एक गिलास ले लीजिए। इसके अंदर आपको डालना है आधा चम्मच कलौंजी के बीज। साथ में डालना है दोस्तों आपने सौंफ, एक चम्मच सौंफ। जी हाँ, यहाँ मोटी सौंफ या पतली सौंफ, किसी भी सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कलौंजी की तासीर गर्म होती है। इस गर्म तासीर को बैलेंस में करने के लिए हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है। जिनकी बॉडी का नेचर गर्म है, पित्त प्रकृति वाला है, वे लोग भी इसे इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं। सौंफ के अपने भी बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं। इस तरह से कलौंजी और सौंफ का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब इस गिलास में हमें पानी भर देना है और इसे रात भर के लिए ऐसे ही ढककर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, पानी सहित इन बीजों को गर्म कर लेना है सुबह उठकर, और रात भर ऐसे ही भिगा रहने देंगे और सुबह उठकर इसे गर्म करेंगे। जब ये गर्म होगा तो इसके सारे औषधीय गुण, यानी कलौंजी के और सौंफ के औषधीय गुण पानी में चले जाएंगे। लगभग आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे गर्म करना है। उसके बाद आपने इसे छान लेना है। पानी को हल्का सा गुनगुना होने दीजिए और उसे सुबह खाली पेट सिप सिप करके पी लीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच शहद भी मिक्स कर सकते हैं। आपने इसे गुनगुना जरूर कर लेना है अगर आप इसके अंदर शहद मिक्स कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो शहद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे रोजाना सुबह खाली पेट 1 महीने तक पीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही कमाल की औषधि है, इसके बहुत ही बेहतरीन फायदे हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो तब भी आप इसे लगातार 15 दिन तक पी सकते हैं। अगर आप कलौंजी और सौंफ की चाय पीते हैं तो आपके शरीर में कौन कौन से फायदे होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। कलौंजी के अंदर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो इसे बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। इसमें है थाइमोक्विनोन, थाइमोहाइड्रोक्विनोन और थाइमल है। ये तीनों चीजें कलौंजी को बहुत पावरफुल बना देती है। तो अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो गई है, शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द हो गया है, अर्थराइटिस की वजह से, आपको गठिया की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो आपने कलौंजी और सौंफ की चाय जरूर पीनी है। ये चाय दर्द को दूर करती है और सूजन को भी दूर करती है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो सूजन को नेचुरली तरीके से कम करती है और साथ ही दर्द को भी कम करने का काम करती है। इसके अलावा ये शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को भी कम करने में मदद करती है। इस चाय को रेगुलर कम से कम आपने 60 दिन तक जरूर पीना है, यानी कि 2 महीने पीना है। ये यूरिक एसिड को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। जिनके भी शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है वो लोग इस चाय का सेवन कर सकते हैं। इस चाय को पीकर आप नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कलौंजी लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आजकल लीवर की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, खासकर फैटी लीवर की प्रॉब्लम। ऐसे में कलौंजी की चाय पीना बहुत लाभदायक है। गलत खानपान की वजह से लीवर के ऊपर जो जहरीला तत्व पैदा होने लगता है
कलौंजी इस पदार्थ को बाहर निकाल देती है। कलौंजी शरीर में सूजन को कम कर देती है। इसके अलावा अपने लीवर को रोजमर्रा के खानपान की वजह से होने वाले नुकसान से भी आपको बचा के रखती है। उन केमिकल की वजह से जो नुकसान होते हैं उनसे हमें ये कलौंजी बचा कर रखती है। आप कलौंजी का इस्तेमाल घर के खाने में या मसाले में भी कर सकते हैं। अब 3 दिन तक कलौंजी की चाय पीकर देख लीजिए, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर देती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार शुगर शरीर में बढ़ जाता है तो और भी कई बीमारियों को ये न्योता दे देता है, ऐसा माना जाता है। इसके कारण शरीर में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है, हमारा हार्ट कमजोर पड़ जाता है, हमारी किडनी की बीमारी पैदा होने लगती है, साथ ही साथ पेट से जुड़ी बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। इसके साथ ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को ठीक करता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है तो आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक का खतरा नहीं आएगा। इसके साथ ये मोटापे को भी कम करती है, आपके शरीर की चर्बी को पानी की तरह पिघला देगी और आपके शरीर को अंदर से मजबूत बना देगी। साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर के लिए भी काफी अच्छी होती है। एक रिसर्च से ये साबित हो चुका है जिनको हाई बीपी रहता है उनको तो रोजाना कलौंजी की चाय या कलौंजी का पानी पीना ही चाहिए। इसके अलावा ये त्वचा के लिए काफी अच्छी है, त्वचा की झुर्रियां है उसको दूर करती है, फेस पर ग्लो लाती है, आप इसका इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कलौंजी और सौंफ के बारे में जिनकी चाय बनाकर इस्तेमाल करना है सुबह के टाइम, ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।